नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। पोल पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन से मिली चुनौती से मुकाबले के लिए बीजेपी की बची खुची उम्मीद पोलराइजेशन पर जाकर टिक गई है। उधर महागठबंधन में जगह नहीं मिल पाने की वजह से कांग्रेस ने प्रियंका की यात्राओं से उम्मीदें बांध रखी हैं। वहीं महागठबंधन के नेता मायावती और अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चिंता कई सीटों पर कांग्रेस का त्रिकोण और अपने ही कार्यकर्ताओं के वोट महागठबंधन के कैंडिडेट को ट्रांसफर होने को लेकर है। इस बीच चुनावी रथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने रविवार को चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। पोल पॉलिटिक्स में करेंगे बात चुनाव से जुड़े अब तक के सभी डेवलपमेंट पर और जानेंगे एक्सपर्ट की राय। उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल की ओर बढ़ता जा रहा है? महागठबंधन के जातीय जोड़ की तोड़ के तौर पर बीजेपी ने स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी को मैदान में उतार दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सहारनपुर के शाकुंभरी धाम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम ने क्या कहा, देखिए। राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी का वसूल नहीं है, ये कांग्रेस सपा बसपा की वसूल है। कांग्रेस सपा बसपा देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के एक महागुरु हैं, पीढ़ियों के महागुरु हैं, नाम ही सेम है, आज वो देश का सेम बन चुके हैं, देश के सर्वनाश हो चुके हैं। सेम पेटोला जब उनके वक्तों पे आते हैं, भारत की सेना, भारत की फौज, भारत के सैनिकों के सारे पराक्रम पर जब वो प्रश्न उठाते हैं, तो जब पीढ़ियों के महागुरु के ये हाल हैं, तो उनके महाचेहरों के क्या हाल होंगे जो 2013-14 में हमारे पास केवल मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का काम भी हमारे पास है, आज मोदी जी का नाम भी और काम भी हमारे सामने है। और मैं देख करके मुझे आश्चर्य होता है, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी के 4.5 वर्ष का कार्यकाल, मोदी जी के 55 महीनों का कार्यकाल, कांग्रेस सपा बसपा के 55 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ मोदी के काम और मोदी के नाम पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ इसका कमंडलाइजेशन भी किया जा रहा है। यूपी में पहली बार नहीं है जब चुनाव में जातीय गणित को असर को कम करने के लिए हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। अभी जो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे, उसमें जो भाव है उस भाव को समझने की ज़रूरत है। यानी भारतीय जनता पार्टी को अपने काम के अलावा जिस बात पर सबसे अधिक भरोसा है वह है कि हिंदुत्व कार्ड कैसे आगे बढ़ता है और उस कार्ड का कैसे इस्तेमाल उनको वोटों के पोलराइजेशन को लेकर हो सकता है। एक ये सेंस समझ में आ रहा है जिसको समझने की ज़रूरत है और इसको आगे इस पर बात करने की ज़रूरत है। 2019 के चुनाव में मंडल के असर को कम करने के लिए इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हम देख चुके हैं। हालांकि तब वह कार्ड बहुत काम नहीं कर पाया था। बीजेपी को 120 सीटें और 20% वोट जरूर मिल गए थे, पर सरकार कांग्रेस ने समान विचारधारा वाली पार्टियों के समर्थन से मिलकर बनाई थी। आपको याद होगा कि उस वक्त 91 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके बाद जब मोदी के कम होते करिश्मे को देखते हुए बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड में खेलने की तैयारी कर रही है, तो ये जो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी दरअसल अपने सारे पत्ते एक साथ जो है खोल देती है और ये उसकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है।
हम इस खबर को आगे इस पर चर्चा करेंगे अपने साथ जो हम हाँ इसके बाद जो है, लेकिन हम अभी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें समाजवादी पार्टी से जो खबर आ रही है हमारे पास। बात समाजवादी पार्टी की, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति साफ कर दी है। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए सपा ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की सीट आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़ा था, बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट खाली कर दी थी, जहां से तेज प्रताप यादव ने उपचुनाव लड़ा और जीता था। मुलायम सिंह यादव इस बार अपनी पुरानी सीट मैनपुरी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अखिलेश ने इस सीट पर पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वैसे इससे पहले उनके कन्नौज से लड़ने की चर्चा थी, कन्नौज से अब डिम्पल यादव ही चुनाव लड़ेंगी। डिम्पल पहले भी इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। तो ये सिचुएशन है समाजवादी पार्टी में। इस बीच सपा से एक और बड़ी खबर आई है। सपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में मुलायम सिंह का नाम नहीं है, इसको लेकर सियासी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। पर सपा के करीबी सूत्रों का दावा है कि मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को देखते हुए पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया है, और जिन्हें शामिल किया गया है 40 प्रचारकों की सूची में, ये नाम प्रमुख हैं: अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, आजम खान, डिम्पल यादव और जया बच्चन। तो समाजवादी पार्टी के ये जो चेहरे हैं चुनाव प्रचार में जाएंगे और चुनाव करेंगे, 40 लोग हैं जिसमें ये प्रमुख लोग हैं जिनका नाम मैंने बताया। चुनावों के समय विरोधियों पर छींटाकशी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये छींटाकशी अब जब एक दायरे को तोड़कर ही जाती है तो उसे माहौल बिगड़ता है। सभी दलों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो बयान देते हुए संतुलन बनाए नहीं रख पाते। बीजेपी में ऐसे ही एक नेता हैं, सुरेंद्र सिंह, बलिया के विधायक हैं। मशहूर डांसर और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही सपना चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर उनका बयान विवादों में आ गया है। सुरेंद्र सिंह ने मर्यादा की सीमा लांघते हुए सपना की तुलना न केवल सोनिया गांधी से कर दी, बल्कि राहुल को उन्हें अपना बना लेने की मुफ्त सलाह भी दे दी। सुन लीजिए जरा माननीय के विचार क्या हैं सुरेंद्र सिंह की बाइक। ये बड़ी अच्छी बात है भाई, अपने राहुल जी भी अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाए, ये अच्छी बात है। उनकी माता जी भी इटली में इसी पेशे से थी, और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाज़त नहीं देती। और अब आपको सुनवा देते हैं राजनाथ सिंह की बाइट, जो राजनाथ सिंह चूंकि आज लखनऊ पहुंचे हैं और चूंकि उनका कैंडिडेचर यहां से अनाउंस हो चुका है लखनऊ से, तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर नज़र भी आई कि पिछली बार जो है 2014 भरोसा पहले से बढ़ा है, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो हम लोगों को बहुमत हासिल हुआ था अकेले भारतीय जनता पार्टी को, मैं समझता हूँ कि वह नंबर और अधिक आगे बढ़ेगा। अब इसकी कोई हम सीमा नहीं निर्धारित करना चाहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर बताना यह आसान काम नहीं है, लेकिन पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। फिर भी हम लोग NDA की सरकार ही अपने सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार बनाएंगे। सर लखनऊ जितना स्वागत हुआ, एक उत्साह है लोगों में, विकास हुआ, मैं सुनता हूँ विकास के बारे में। यहाँ के लोगों से स्वयं पूछिए, बताएंगे लोग, मैं क्या बताऊँ, खुद ही बताएंगे लोग। तो राजनाथ सिंह इस मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि राजनाथ सिंह 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उस वक्त उनके विरोध में थी रीता भुगना जोशी, जो अब उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में हैं। आज उनका स्वागत करने के लिए रीता भुगना जोशी भी पहुंची थी। तो ये एक दिलचस्प नज़ारा है सियासत का, जिसमें राजनाथ सिंह अब दावा कर रहे हैं कि उनकी सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। निश्चित रूप से अब उत्तर जहाँ पे लखनऊ में उनका मुकाबला पिछली बार कांग्रेस के साथ था और रीता भुगना जोशी ने उनको एक कड़ी टक्कर दी थी, इस बार वो उनके साथ हैं। अब देखना ये होगा कि लखनऊ में किस तरह का एक सियासी माहौल बनता है, लखनऊ सीट पर किस तरह के एक चुनावी टक्कर दिखाई देती है, और इस तरह के जो जो जो
संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पे किस तरह की तस्वीर उभरती है, उसी तस्वीर की चर्चा करते हुए मैं बिहार आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे एक दिलचस्प तस्वीर उभर रही है बिहार के बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में एक चुनावी दिलचस्प चुनावी तस्वीर ये है कि इस सीट पर बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को उतारा है। गिरिराज सिंह इससे पहले नवादा से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई है। गिरिराज बेहद तीखे बयान के लिए जाने जाते हैं, विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देने वाला उनका बयान चर्चाओं में रहा है। गिरिराज को इस नई सीट से संसद पहुंचने के लिए सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया से मुकाबला करना होगा। वही कन्हैया जो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और जेएनयू कांड की वजह से जेल हो आए हैं। बिहार की इस हॉट सीट पर बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि यह सीट सीपीआई के मजबूत गढ़ मानी जाती है। इसे मॉस्को ऑफ बिहार भी कहा जाता है। वैसे गिरिराज सिंह अपनी पुरानी सीट नवादा से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में इस पार्टी ने उन्हें निराश किया और उनकी सीट बदल दी। बीजेपी ने बेगूसराय में सिंह की छवि और जातीय गणित को ध्यान में रखते हुए उन पर दांव लगाया है। जहां तक जातीय गणित का सवाल है तो कन्हैया और गिरिराज सिंह दोनों ही एक ही जाति भूमिहार से ताल्लुक रखते हैं। कन्हैया के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी आपको बता दूं कि वहां पे कन्हैया सीपीआई के कैंडिडेट हैं और सीपीआई का जो है गठबंधन के साथ कोई उनका वो तालमेल नहीं बन पाया। पहले ये माना जा रहा था कि आरजेडी उनके पक्ष में है, गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में है, लेकिन आखिरी वक्त में जो गठबंधन हुआ है तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ, उसमें उस सीपीएम को लिए सीपीआई को कोई जगह नहीं मिली। सीपीएम के लिए उन्होंने एक सीट जरूर छोड़ी है, लेकिन सीपीआई को कोई जगह नहीं मिली है उस गठबंधन में। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, ऐसा माना जा रहा है बिहार के जो समीकरण हैं उसमें, कि उनको लेकर एक गठबंधन का लीनियंट अप्रोच रहेगा, कैजुअल अप्रोच रहेगा, ताकि वो सीट विपक्ष के हाथ में चली जाए और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने से बच जाए। और अब देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ पे गिरिराज सिंह का मुकाबला किस तरह से कन्हैया के साथ सामने आता है। आज के सारे डेवलपमेंट पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी एसोसिएट एडिटर नेशनल वॉइस के राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, सबसे पहले जो पहली खबर बताई थी उसकी चर्चा करेंगे, जो आज योगी जी ने शुरुआत की है शाकुंभरी मंदिर से, वहाँ से शुरुआत एक हुई है। और ऐसा देखिए, अब जब योगी जी ने 2 साल पूरे किए अपने कार्यकाल के, तो उन्होंने जो बात रखी उसमें प्रमुख बात ये रखी, वो कांधला और कैराना का नाम लिया, जहाँ उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंदुओं के दिल में जो है वो एक उन्होंने जो है आत्मविश्वास जगाया है। और आज भी जो बात वो वहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी मोदी के कामकाज, मोदी के नाम के अलावा एक और जो दूसरा पहलू है जिस पर बहुत भरोसा कर रही है, वो शायद ये है कि हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जाए, हिंदुत्व जो जातियों के आधार पर बिखर रहे हैं उनको कैसे समेटा जाए, कैसे महागठबंधन से मुकाबला थोड़ा जो है उसको अपने पक्ष में किया जाए, इसको लेकर उनकी चिंता दिखाई देती है। जो शुरुआती अभी रुझान उनके जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और आज योगी का जो बयान आया है उससे लगता है, आप किसको किस रूप में देखते हैं? उसमें मोदी जी के सरकार के कामकाज की तमाम उपलब्धियों का बखान उन्होंने किया और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रवाद के जरिए वो अपनी बात रख रहे थे। और वहाँ उन्होंने सेना का भी उल्लेख किया कि सेना के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही कि सब लोग एकजुट हो राष्ट्रवाद के लिए। पर जो वहाँ कैराना में जो लोकल जो समस्याएं हैं उसकी ओर उन्होंने कोई बात भी नहीं की। जैसे हम बात करें अगर गन्ना किसानों के 10,000 करोड़ रुपए इसी सरकार को देने हैं, योगी सरकार को बकाया है अभी, और इन्होंने वादा किया था कि गन्ना पे राई के 14 दिन बाद हम पैसे दे देंगे। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ। एक्चुअली हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र सिंह, जो जिनका बयान आया है, जो राहुल गांधी सपना चौधरी को लेकर जो बयान आया है, हम उनसे पूछ लेते हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि उनका ये बयान किस रूप में देखा जाए। सुरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। सुरेंद्र सिंह जी, ये बताइए, आपका बयान मैं यहाँ सुन रहा था, आपने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वो सपना चौधरी के साथ हो लें, इसका क्या मतलब लगाया जाए? नहीं, इसका राजनीतिक मतलब है
इसका राजनीतिक मतलब है कि भाई अब तो राजनीति में अपने ऊपर जब भरोसा टूट जाता है तो एक्टर डायरेक्टर और जो है डांसर वो लोग लेकर के आगे चलते हैं, तो हमको इसमें नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन भारत की राजनीति में इस समय मोदी जी दीप्यमान चांद की तरह से जो है उभर रहे हैं, उभर चुके हैं, उनके ऊपर किसी भी कोई भी डांसर आ जाए, राष्ट्रीय आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय भी डांसर आ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उद्देश्य मेरा यही था। लेकिन सुहेल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी में तो सपना चौधरी से बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर हैं और डांसर हैं, आपके यहाँ तो भरमार है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं किसी, आपके यहाँ तो क्रिकेटर भी आ रहे हैं। मैंने देखिए अभी फिलहाल जो नया कोई आता है तो चर्चा उसी पर होता है, तो अब राहुल जी को अभी नेता पर अपना भरोसा नहीं रह करके भाई भारत स्तर के सबसे टॉप क्लास की जो डांसर है उन पर भरोसा किया है, तो और इसके लिए मैंने धन्यवाद दिया है और कोई इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं। तो क्या दिल्ली में उनको कोई गौतम गंभीर से बड़ा कोई पॉलिटिकल खिलाड़ी नहीं दिख रहा था आपके पास भारतीय जनता पार्टी में? क्या दिल्ली में कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं है जो राजनीति के जो गौतम गंभीर का मतलब की जगह ले सके? आप भी तो अपने चुनाव जीतने के लिए जिस तरह के लोगों को लेके आ रहे हैं, लोकप्रिय चेहरे, पहले ये एक आसान सा रास्ता होता है जो चुनाव के समय में पार्टी आजमाती है और आपकी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रहती है। अंशु सुरेन सिंह से हमारा जो है कनेक्शन खत्म हो गया है। अंशु ये बताइए, ये जो बयान आया है सुरेन सिंह का, अभी हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने राहुल गांधी को जो सलाह दी है उसकी जो तुलना की है, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे विरोध करेंगे इसका? देखिए, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम सलाह ले रहे हैं, ना हम सुरेन सिंह जैसे मूर्ख विधायकों के ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे। हम चुनाव में बिल्कुल भयभीत होने वाले नहीं हैं। भाषा की मर्यादा अगर आप रखेंगे, आपका जवाब ले लेता हूँ, लेकिन एक मैं कहता हूँ, चुनावों का वक्त है, सभी नेताओं को बहुत ही मतलब संजीदगी से अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे लगता है ये जो शालीनता है शब्दों की, उसको आप भी रखें, सभी पार्टियां रखें। ऐसे मानसिक रोगियों के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करते। हम जरूर अनुरोध करेंगे बीजेपी से कि आयुष्मान योजना के तहत इनका भी इलाज कराएं। हम जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, ऐसे मानसिक दिवालिया लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। ठीक है, ठीक है अंशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस तरह के जो राजनीति के समय जब चुनाव जब का जो है तनाव सिर पे होता है पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के, तो इस तरह के बयान बदलते जाते हैं, इस तरह की बयान जो है वो अपने नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मैं इस पर फिर से चर्चा करूंगा, राजन जी से मैं चर्चा कर रहा था, मैं उसी बात पर आना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में जो मंडल और कमंडल 1991 में के समय में दिखा था, क्या राजन जी जो आप बात कह रहे थे, क्या इस बार भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मोदी के काम और मोदी के नाम पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है जितना भरोसा है कि अगर किसी तरीके से एक पोलराइजेशन हो जाए और पोलराइजेशन से शायद उनकी समस्या जो है, उनकी दिक्कतें थोड़ी कम हो सकती हैं, उनकी चुनौती थोड़ी कम हो सकती है? देखिए भावेश जी, उत्तर प्रदेश में देश से थोड़ा अलग स्थित है। एक मिनट फिर आपको रोकना चाहूँगा, सपना चौधरी का एक स्टेटमेंट आ रहा है, जरा उसको सुन लेते हैं। के बात पे देखना चाहते हैं कि आप, हाँ जी, चाहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, सर ये डिसीजन मेरा नहीं है, एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, ये पब्लिक का है, ये नागरिक का डिसीजन है, मैं ना वोट देती हूँ। लीगल एक्शन लेंगे कोई जो आपके फर्जी चला है सारा जिन्होंने किया, कोई कंप्लेंट नहीं, नहीं कोई कंप्लेंट नहीं। आपको बता दिया, आपसे बड़ा डिसीजन कोई हो सकता है? आप लोग कचहरी नहीं है ना, नहीं, आप मीडिया मेरे ख्याल से हमारी नींव है, हमारी जड़ है, और आपसे बढ़कर मुझे वैसे भी कोई साधन नहीं लगता अपनी बात को रखने का, अपनी बात को बताने का। नाराज है कांग्रेस से जिस तरीके से? सर मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ बस। नहीं नहीं, ये चर्चा इस वजह से भी उस समय से शुरू हुई थी जब आप पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, उसके बाद में ये चर्चा। देखिए अब उस टाइम का इंटरव्यू भी आप लोग निकाल के लाए, उसके बाद में तो मैंने तो अभी बोला कि प्रियंका जी बहुत अच्छी है, मैंने कोई उनकी बुराई नहीं की है, शी वॉज वेरी 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 कामली पर्सन, बहुत शांत और बहुत धैर्य से बात की, बहुत अच्छे से मुझसे बात की और बहुत अच्छी है, मैं अभी यही बोल रही हूँ। मैंने हाँ हाँ जी आपने बोला कि आप वोट नहीं डालते और चुनाव आयोग पूरा इस पे फोकस करता है, फिर वोट क्यों नहीं डालते आप, जो कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि हाँ किसी बंदे को वोट देना चाहिए और मेरा कीमती है तो मैं जरूर दूंगी, अभी तक तो मुझे लगता नहीं मेरा वोट कीमती। आपके नाम का कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको कॉन्टेस्ट करने और कांग्रेस को क्यों बोलूं मैं?
तो सपना चौधरी को आप हम सुन रहे थे। सपना चौधरी के बारे में पहले चर्चा थी कि मथुरा से वो हेमा मालिनी का मुकाबला करेंगी और चुनाव में सीधे सीधे एक बार पार्टी ज्वाइन किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है उनकी बातचीत से कि वो अभी उन पार्टी में दाखिल हुई हैं। अच्छा ही है कैंडिडेट के लायक, क्योंकि वो खुद कह रही थी अभी अपने जो मीडिया से बात कर रही थी, वो खुद कह रही थी कि मैं वोट नहीं देती हूँ। तो इस तरह अभी चुनाव को लेकर और राजनीति को लेकर कोई संजीदगी ज़्यादा नहीं है। और चुनाव के वक्त मैं बता रहा था कि किस तरह से डिस्परेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज में कि किसी को भी शामिल कर लेना, शायद उसकी फैन फॉलोइंग जो होती है उसका फ़ायदा वोटों के रूप में मिल जाए, इसकी एक कोशिश होती है। ये डिस्परेशन सभी पार्टियों में काम करता है। अभी वो जवाब नहीं दे रहे थे सुरेंद्र सिंह जी कि मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का जो पॉपुलर है किसी और फील्ड में उसको कांग्रेस लाती है तो किस तरह से उनका रिएक्शन ओवर रिएक्शन था वो। तो सुरेंद्र, फिर मैं राजेंद्र जी, मैं आपके पास फिर वही सवाल लेकर आता हूँ, आप अपनी बात पूरी रखिए। देखिए भावेश जी, यूपी में जो चुनाव है और जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन है, इससे बीजेपी को भय है कि वो गठबंधन इनको करारी शिकस्त भी कई जगहों पर दे सकता है। एक बात, इस भय को के लेके जो उन्होंने जो अपनी चुनावी रणनीति बनाई है उसमें मोदी जी के कामों का बखान और सेना का नाम का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर हमला राष्ट्रवाद के अपने को सबसे बड़ा पैरोकार साबित करते हुए, ये उनकी अपनी रणनीति है। आज योगी जी ने भी यही बात सहारनपुर में मंदिर में दर्शन के बाद कही। अब आइए कि लोकल इश्यूज जो हैं वो इस सरकार के लिए बहुत निराश करने वाले हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि जो पश्चिम की बेल्ट है उसमें गन्ना किसानों का बकाया योगी सरकार पूरा नहीं दे पाए। आज भी जो चार जिले हैं वहाँ कम से कम 5,000 करोड़ रुपए कम बकाया है गन्ना किसानों का जो उनको देना है। वो इशू इस चुनाव में ऊपर आएगा, रहेगा, वो विपक्ष को बहुत काम भी करेगा गन्ना किसानों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में, क्योंकि इन्हों ये बातें करते हैं कि हमने सब किया जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, पर ऐसा है नहीं। आज सहारनपुर में, कैराना में और मेरठ में और बागपत में चार जगहों के किसानों का करीब 4,500 करोड़ रुपया बकाया है आज गन्ना किसानों का। ये 22 मार्च को गन्ना विभाग के डेटा से पता चलता है, आप देख लीजिए, कोई भी देख सकता है। अब आइए कि सहारनपुर की जो लोकल समस्याएं हैं पानी का, वहाँ नदी का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है और हैंडपम्प से भी गंदा पानी आता है, लोगों को कैंसर भी हो रहा है, पर उस सब के इश्यूज को लेके एक शब्द भी वहाँ पर नहीं बताया गया। सहारनपुर में जो लकड़ी के काश्तकार हैं उनका व्यवसाय चीन बिल्कुल खा जाने की कगार पर पहुंच गया है। यहाँ यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लाई गई, उसका सबसे बड़ा फेलियर आपको सहारनपुर में मेरठ में दिख जाएगा। तो सवाल ये है राजन जी, सवाल ये है कि सत्ता पक्ष तो कोशिश करता है कि मूल सवालों से ध्यान भटकाया जाए और इमोशनल बातें की जाए, कुछ सेंटिमेंटल बातें की जाए और मुद्दों को एक दूसरी दिशा में ले जाया जाए जहां पे एक अलग तरह के रिएक्शन हो और उसको उसके आधार पे उनको उसका चुनावी लाभ मिले। लेकिन विपक्ष भी तो ऐसे जमीनी मुद्दे के जो मुद्दा उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पे पानी जो है पॉल्यूशन इतना लेवल पे पहुँच गया है कि लोगों को उससे कैंसर हो रहा है, तो स्थानीय स्तर पे जो विपक्ष के लीडर्स हैं या कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स हैं, इस तरह की इश्यूज को क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्या उनको लगता है कि ऐसे इश्यू उठाने का कोई उनको चुनावी लाभ नहीं मिल पाएगा? ऐसे इश्यू जनता के दिमाग पर राज नहीं करते हैं, जनता के दिमाग पर वही सारे इश्यू राज करते हैं जो जो जो, जो पॉपुलिस्ट चीजें होती हैं। आपकी बात ठीक है, पिछले 14 में मोदी लहर में इस तरह के सारे इशू दफन हो गए थे, कहीं कुछ नहीं आया। 17 में भी ये इशू बहुत ज्यादा नहीं आया क्योंकि इतना हिंदू मुस्लिम कर दिया गया था। आज जो स्थिति है वो इन पश्चिम की जो पहले फेज में जहाँ चुनाव होने वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसी को उभारने की चेष्टा बीजेपी की तरफ से हो रही है। ठीक है, और उसको जो विपक्ष के लोग हैं वो लोकल इश्यूज के साथ साथ इनके साथ ये आरोप जरूर लगाते हैं कि ये जो कहते हैं, दावा करते हैं कि जो मैंने कहा वो किया, तो वो आज बता रहे हैं कि आपने जो कहा था वो ये नहीं किया है, उसकी एक लंबी फहरिस्त वहां विपक्ष के लोग आज बताने की स्थिति में कह रहे हैं। ठीक है, और कैराना में ऐसा जब किया था तो इन्होंने शिकस्त भी दी थी बीजेपी को। ठीक है राजेंद्र जी, हमारे पास समय कम था इसलिए
इस डिस्कशन को यही विराम देते हैं। एक्चुअली चुनावों में इस तरह की चीज़ें लगातार चलती रहेंगी, जब भी नई कोई राजनीतिक गतिविधि होगी, नई घटना होगी और उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ होंगे, जरूर हम आपसे संवाद करेंगे। और पोल पॉलिटिक्स का इरादा यही है, पोल पॉलिटिक्स का वादा यही है कि हम आपको चुनाव की गतिविधियों और चुनाव के सारे सवालों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेशनल वॉइस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।